Hello everyone, welcome to the Unacademy Studio Placebo platform. So myself Kalpana Kumari, I am going to discuss about the what should be the strategy for solving the NEET 2020 paper. So basically I secured All India rank 1 in NEET 2018, All India rank 33 in ZIPMA 2018 and All India rank 72 in AIIMS 2018. And currently I am the second year MBBS student at the Maulana Azad Medical College, New Delhi. So basically Unacademy will provide you some of the excellent educators. So here are some like Bakul Dev sir, Anand Mani sir, Ritu Ratilwal ma'am, Amit Singh sir, Harshit Jalani sir and the Vipin Sharma. So these are the some of the excellent educators that are available on the Unacademy platform. So Unacademy is going to launch the crash course for the NEET 2020. So crash course basically hota kya hai ki jo crash course hai aapne jo 2 saal mein padhai kari hai crash course jo us 2 saal mein jitni bhi aapne padhai kari jitne concepts bhi aapne build up kare un sare se related aapko questions milenge bahut sare multiple questions honge to aap पूरा जो सारा कॉन्सेप्ट्स है दैट ऑल आर गोइंग टू बी रिवाइज्ड सो एंड बेसिकली द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 3rd ऑफ द मे तो हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अभी से बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई करने की जरूरत है और क्रैश कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा जहां पे आप 180 डेज में बहुत ही ज्यादा बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हो जिससे आपके रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है सो व्हाट ऑल विल बी इन द crash course so ncrt review ncrt aapko pata hai ki for the biology ncrt is said to be the bible to ncrt bahut hi zyada important hai not only for the bio also for the physics and the chemistry kyunki aims mein jaise pehle adjacent region types ke questions puche jate the to ab aims ka exam sare exams combined ho chuke hain to matlab we don't know the exact pattern kya hoga तो NCERT बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हेयर द NCERT रिव्यू विल बी गिवन एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड सो देयर आर 3 सब्जेक्ट्स सो यू कैन गेस दैट इट्स अराउंड द 6,300 क्वेश्चन मोर देन मीन्स इट्स अराउंड 6,500 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट तो आपको हर सब्जेक्ट से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेंगे तो यू कैन इमेजिन कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी एंड देन यू विल हैव द गाइडेंस फ्रॉम द इंडियाज टॉप फैकल्टी तो इंडियाज के वेरी टॉप मीन्स एक्सेलेंट फैकल्टीज आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सो आपको इन सारे टॉप फैकल्टीज से आपको गाइडेंस मिलेगा एंड देयर विल ऑल्सो बी द डाउट सेशन तो डाउट सेशन में बेसिकली आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोर देन 20,000 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो तो आप बहुत सारे सॉल्व करने वाले हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कोई चाहिए जो कि आपको मदद करे तो इसलिए जो डाउट सेशंस होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा हमारे टॉप फैकल्टी के साथ तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड यू विल परफॉर्म मच बेटर इन द एग्ज़ाम सो बेसिकली दीज आर 3 ऑफ द एजुकेटर्स जो कि हमारे क्रैश कोर्स लेने जा रहे हैं सो अमित सिंह सर फॉर द फिजिक्स डॉक्टर आनंद मनी सर फॉर द बायोलॉजी एंड द हर्षित जलानी सर फॉर द केमिस्ट्री सो दीज 3 आर द एजुकेटर्स जो कि क्रैश कोर्स लेंगे सो क्रैश कोर्स बेसिकली हमारा 180 डेज का प्लान है सो ये जो है हमारा 10th of November 2019 को लॉन्च होने वाला है तो हमारा एग्जाम एंड द एग्जाम ऑफ द नीट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 3rd में तो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 210 डेज लेफ्ट है तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत इफ़िशियंटली पढ़ाई करो तो इस 180 डेज़ के प्लान में आप बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स सो यू हैव टू रजिस्टर नाउ ओके बिकॉज वी हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ओके सो व्हाट इज़ अनअकैडमी प्लस तो यहाँ पे बहुत सारे क्विजेज एंड टेस्ट होते हैं क्विजेज एंड टेस्ट का बेसिकली इम्पॉर्टेंस क्या है क्योंकि अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो क्योंकि हमारे पास हम पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स तो हमें आता है बट जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा तो था बट इसमें मतलब एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम तो अगर आप पहले से बहुत सारे टेस्ट के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और ये सारी चीज़ें जो है आपकी इफ़िशियंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी
So there are multiple quiz and test, and also there will be doubt clearing session, which will be 1-to-1 doubt clearing session. Okay. So यहाँ पे 1-to-1 doubt clearing session होगा. तो आपने tests दिए, quizzes बहुत सारी attend करी, तो आपको जो भी doubt आए हैं, ऐसे भी आप अगर कोई topics पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो भी topics deal किए जाएंगे उससे related आपको जो भी doubt आ रहे हैं, उन doubt से related आप मतलब पूछ सकते हो डायरेक्टली. एंड देयर आल्सो विद द लाइव क्लासेस. सो बेस हमारा यूट्यूब पे भी मींस देयर आर मेनी वीडियोस रिलेटेड टू द अनअकैडमी, बट वो सारी वीडियोस आपको इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है. तो यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होंगे जिसमें आप डायरेक्टली क्या क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप पूछ पाओगे. ठीक है. एंड देयर इज ऑल्सो द पर्सनलाइज्ड लर्निंग. सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग. सो बेसिकली आपका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बंदे की इफ़िशियंसी अलग होती है. किसी को कोई चीज़ किसी टीचर से समझ आता है, किसी और हर टीचर का पढ़ाने का पैटर्न भी अलग अलग होता है. तो अनअकैडमी प्लस पे आपको इतने सारे वेराइटी ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे कि आप यहाँ पे मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है, आपकी एक अपनी अलग कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टीचर्स सेलेक्ट कर सकते हो. कौन से डिफरेंट टॉपिक्स के भी बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, तो आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे और उसके बेसिस पे आप अपने टीचर्स सेलेक्ट कर सकते हो और उनसे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज. सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द एजुकेटर्स फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स. And there also be the test series that is required for the getting the means getting your speed enhanced. And also there will be the comprehensive syllabus for the different subjects, like for the physics and biology, chemistry, all those subjects that are asked in the exam. So how to register for the Unacademy Plus? So it's very simple. You have to go to the Play Store and you have to install the Unacademy learning app. And then what you have to do, that for means there are two types of course. One is for the 12 month and the another is for the 24 months. So you means all the videos are not available on the YouTube, so you have to get the subscription. Okay, so you have to get the subscription, and the subscription could be for the 12 month or for the 24, but 24 is better, क्योंकि अगर आपने शुरू से revision करी है तो obvious सी बात है कि अगर आप शुरू से videos देखते आ रहे हो then it will be very easy. So हमारे पास for the 12 months के लिए अगर आप subscription लेना चाहते हो then the it cost rupees 30,000, and if you use the referral code Kalpana, mention the code Kalpana, then you will have the 10% discount that accounts the 3,000 rupees, and you will have to pay only 27,000. Okay. And if you are doing for the 24 months, that is for the 2 years, then that cost the 48,000. It is for the 2 years, and if you are using the code Kalpana, if you are using the code Kalpana, then you will get the 10% discount, and it will cost only the 43,200 rupees. So this was all about, and now I will tell you what should be the order of the subject. Basically, we all know that there are three subjects that are asked in the exam. That is the biology, chemistry, and the physics. सो बेसिकली व्हेन जब हम पेपर देने जाते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है. तो बेसिकली आई यूज़ टू डू कि मैं पहले फिजिक्स किया करती थी, जैसे नीट एग्ज़ाम है. ठीक है, नीट में होता क्या है, वी हैव द 3 आवर्स, दैट इज़ द 180 मिनट. ओके, वी हैव 180 मिनट्स एंड देयर आर द क्वेश्चंस दैट आर ऑल्सो 180. ओके, सो यू एंड तो मैं पहले क्या करती थी, आई यूज़ टू डू कि फिजिक्स पहले करती थी फर्स्ट अटैम्प्ट. और ऐसा नहीं, मीन जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अगर कोई क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, इट विल टेक टाइम, तो आई जस्ट यूज टू इनसर्कल, आई यूज़ टू इनसर्कल दोज क्वेश्चन और इधर यू कुड स्टार मार्क दैट क्वेश्चन और उसे आप बाद में सॉल्व कर लो. तो पहले आप कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप पहले एक रीडिंग डाल लो, एंड देन
जैसे मैं अगर अपने नीट एग्ज़ाम की बात करूँ तो हमारे टाइम द फिज़िक्स क्वेश्चंस वाज अ लिटिल बिट लेंदी, तो मैंने पहले फिजिक्स की एक लगाई रीडिंग मारी, मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, बट देयर वेयर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मेरे से पहले अटेम्प्ट में मतलब मुझे टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत थी। फिर मैंने बायोलॉजी करा, बायोलॉजी इज़ लाइक कि आपका जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी मैक्सिमम, आप पूरे फोकस्ड होने चाहिए, एंड मीन्स इट्स लाइक आपको पता है तो पता है, मीन्स ऐसा कुछ बहुत लॉजिक लगाने का नहीं होता, तो आप बहुत कंसिस्टेंटली आप प्रॉपरली क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बायोलॉजी जो है वो बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में हो जाता है। आई सिक्योर 360 आउट ऑफ 360 इन द बायोलॉजी, तो एंड देन यू कैन डू द केमिस्ट्री और उसके बाद यू कैन डू ऑल द रेस्ट क्वेश्चंस दैट यू हैव लेफ्ट। ओके, सो व्हाट आर द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम? अर्लियर हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो सेपरेट होता था, एम्स का एग्ज़ाम सेपरेट होता था, जिपमर सेपरेट होता था, बट नाउ ऑल एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी कम्बाइंड, सो नाउ देर इज़ नो एम्स नो जिपमर, वनली एंड वनली यू हैव द नीट एग्ज़ाम, सो वनली दिस नीट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू गिव यू द सीट्स इन ऑल ऑफ द मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग द एम्स एंड द जिपमर। ओके, सो बेसिकली हाउ टू इम्प्रूव द स्पीड, सो यू हैव टू लर्न कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि न्यू पैटर्न के होते हैं, तो आपको आपकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड्स ज़्यादा होगी तो आप जो मिस्टेक्स है वो भी बहुत कम करोगे, तो आपके स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। स्पीड आप बढ़ाओगे कैसे, तो स्पीड बढ़ाने का फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स है हमारा, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब मतलब ऑल दिस सब्जेक्ट्स रिक्वायर अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड फॉर द बायोलॉजी द मोस्ट important thing is the मतलब biology or the other subjects that are based on the facts, उसके लिए आपको revision की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी speed तभी बढ़ेगी जब आपने पूरा properly revise कर रखा है चीज़ों को, पूरा properly आपने हर concepts के questions different pattern के, मतलब अगर आप एक concept है उसके अगर आप 100 questions करते हो and डिफरेंट कंसेप्ट के आप 10 क्वेश्चन ही करते हो और टोटल दोनों ने 100 करा, तो ऑब्वियसली वो बंदा अच्छा करेगा जिसने 10 कंसेप्ट रिलेटेड 10 क्वेश्चन पर सब कंसेप्ट करे थे, क्योंकि हमारे मतलब एक ही पैटर्न के आप वही सेम फॉर्मूला लगाए जा रहे हो, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बिल्ड अप मच ऑफ योर कंसेप्ट एंड वो बस टाइम वेस्ट होगा, तो यू हैव टू ट्राई कि आप डिफरेंट पैटर्न्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड यूज़ वन थिंग कि जैसे आप सब एक मिस प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसा क्या करो कि आप अलार्म फिक्स करो, जैसे आपको सपोज यू आर गोइंग टू सॉल्व द 180 क्वेश्चन, देन यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट इन द 2.5 hours, दैट इज़ 150 minutes, क्योंकि हाफ एन आवर आपको मार्जिन लेके चलना चाहिए, ताकि नीट में अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग एंड वो सब बहुत डिमांड कर रहा है तो आप उसको टाइम दे पाओ, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू इम्प्रूव योर स्पीड। ओके, नाउ रिविज़न, रिविज़न मीन्स आपने 1-2 years का कोर्स है 11th एंड 12th, आपने पढ़ाई करी एंड रिविज़न जो है वो लास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर द चैप्टर्स जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो हमारा जो रिविज़न है वो अगर किसी बंदे ने रिविज़न नहीं करा और डिफरेंट बुक्स सॉल्व किए जा रहा है बट रिवाइज नहीं कर रहा तो इट्स ऑल वेस्ट, तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप हर सब्जेक्ट का बहुत प्रॉपरली रिवाइज करो, यू कैन मेक द शॉर्ट नोट्स, आप उन सारे टॉपिक्स को भी लिख सकते हो जो कि आप भूल जाते हो, जस्ट पेस्ट इट ऑन द वॉल जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, ताकि आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी आप उतना बार उसे वो मतलब रिफ्लेक्ट होता रहेगा एंड इट ऑल विल गो एंड यू विल फाइनली मेमोराइज इट,
तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हर सब्जेक्ट्स में रिवाइज करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कंसेप्ट से. यू शुड जस्ट मार्क सम ऑफ द क्वेश्चन जिससे कि आप कंसेप्ट्स रिवाइज करो. जैसे फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि अगर वो आपने सॉल्व कर लिया तो आपका मतलब पूरा कंसेप्ट्स वो रिवाइज हो जाता है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको फिजिक्स के लिए सॉल्व करना है. बायोलॉजी के लिए आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए स्पेशली फॉर दोज पॉइंट्स जो आप कितनी बार भी पढ़ते हो बट अगर वो पॉइंट एग्जाम में आता है तो आप भूल मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. तो उन सारे पॉइंट्स की रिविज़न तो इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड नाउ द टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट फॉर द एग्ज़ाम हमारे पास जो पहले था इट वाज 180 क्वेश्चंस आते थे एंड द टाइम वाज आल्सो 180. सो यू हैव द वन क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट मिल रहा था. ठीक है, एंड इन द एम्स आल्सो द सेम थिंग इज. तो बेसिकली हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक तो एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि हम बहुत पहले तो हम एंग्जियस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जैसे क्वेश्चंस पढ़े पर वो क्वेश्चंस हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं पर हम टाइम दिए जा रहे एक क्वेश्चंस पे ओवर टाइम देना. एंड जैसे हमारे पास ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं बट हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं बच पाता है कि हम सारे इनसर्कल कर पाए. तो OMR सीट फिलअप करना, इन सारे चीज़ों के लिए आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हो जस्ट गिव अ ब्लाइंड रीड एंड यू हैव टू प्रॉपरली द मिस टाइम मैनेजमेंट आपको कर लेना है कि आपको कौन से पोर्शन को कितना टाइम में सॉल्व करना है. और ये सब इन्हेंस होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हो तो. एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज. बेसिकली वीक एरियाज हमारा होता क्या क्या है कि हमने पढ़ाई करी पर हमारा रिजल्ट नहीं अच्छा आता है. तो हमें ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं बट हम उसके कंपेरेटिवली हमारी जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है. इट्स लाइक अगर हमारे इनपुट इधर है तो हमारा आउटपुट यहाँ है. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती है. स्पेशली मैं भी जब यहाँ पर आई थी तो मतलब स्टूडेंट्स वेयर वेरी इंटेलिजेंट और मैं गवर्नमेंट स्कूल से थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये सारे ने इतना अच्छा कर रखा है, सबका पहले से इतना ज़्यादा बेस स्ट्रांग है. तो मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है बट आपका हार्डवर्क आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और फाइनली मतलब बिलीव मी अगर आप हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखते हो देन आप पक्का से पक्का आप अपने वीक एरिया को ओवरकम पक्का कर जाओगे. ठीक है, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. कोई भी प्रॉब्लम है आपको कुछ भी लगता है कि नहीं ये जो रीज़न है मतलब जैसे आप अगर सिली मिस्टेक्स करते हो सपोज जैसे मैं स्टार्टिंग में जब टेस्ट दिया करती थी तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते थे. जैसे अगर क्वेश्चंस में नो होता था मुझे नो दिखता ही नहीं था, मतलब मैं इतनी एंग्जियस हो के पेपर देती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था अच्छा नो लिखा था. एंड जब मैं अपने रूम पे आके आई यूज़ टू रिवाइज कि मतलब मैंने क्या पढ़ा. तो आपको अपनी सिली मिस्टेक्स को पता होना चाहिए. एंड जस्ट आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो ऐसा क्या करो कि मतलब ऐसा बहुत बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि एग्ज़ाम दे दिया अब वो डिस्कस नहीं करना. तो मतलब आप उस एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, आप पूरे 2 साल मेहनत करते हो उस फाइनल नीट एग्ज़ाम के लिए. तो आपको बेसिकली करना क्या है कि यू हैव टू मेक अ डायरी ऑफ द मिस्टेक्स. आप एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपको पता चला कि आपने इस एग्ज़ाम में आप आए आपको आंसर की मिल जाती है, आपने देखा कि आपने ये मिस्टेक्स करी थी. तो जस्ट हैव अ नोट जहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख दो कि हाँ आपने ये मिस्टेक्स करी है इस एग्ज़ाम में. और देखो जब अगली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसे ध्यान दो कि आपने ये मिस्टेक्स करी थी तो ये आपको नहीं करनी है. तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करता है क्योंकि हमें पता क्योंकि अगर जैसे आपने वो नो वाला पॉइंट कैलकुलेशन मिस्टेक में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एंग्जियस और हमारे पास टाइम कम होता है. तो इसके लिए तो यू हैव टू मेक अ डायरी ऑफ योर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड यू हैव टू रिड्यूस एंग्जाइटी. मतलब पर्सनली मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि मतलब बहुत अच्छे थे,
much much better than me and the many more students जिन्होंने बहुत अच्छी rank secure करी है उनके comparatively भी वो बहुत अच्छे थे but just because of the anxiety and nervousness उन्होंने exam में मतलब they are not able to perform better. तो आपको anxiety अपने reduce करनी है, you have to calm yourself क्योंकि हमारे पास जो time है वो बहुत limited होता है exam में. हमारे पास बहुत सारी thoughts आ रही होती है कि अगर हमने ये अच्छा नहीं करा तो क्या होगा, what will be our future. तो just reduce your anxiety, calm yourself क्योंकि हमारे पास जितना मतलब अगर आपने अपने आप को शांत रखा ना तो यू विल एबल टू रिकॉल ऑल द थिंग्स विच यू हैव रेड इन द लास्ट टू ईयर्स. पर अगर आप एंग्जाइटी हो जाओगे तो यू विल नॉट इवन बी एबल टू रीड द टॉपिक्स जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे. तो जस्ट रिड्यूस योर एंग्जाइटी, काम योर सेल्फ एंड डू द बेस्ट. सो बेसिकली दिस वर ऑल अबाउट द एंड डू थैंक यू सो मच, डू लाइक सब्सक्राइब द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म.